99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। गुड मॉर्निंग, मैं रूप सर आप सबके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश की जो टेस्ट सीरीज मैं चला रहा हूँ व्यापम ग्रुप 4 और रेंजर और रेलवे के लिए। आप इस नंबर पे जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं क्योंकि मैं पूरे टेस्ट सीरीज आपको वीडियो के माध्यम से नहीं करा सकता। आप मेरे इस नंबर पर मैसेज करके मेरी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चनों को टाइम ना बर्बाद करते हुए। पुनर्गठन से पहले पूर्व भोपाल राज्य क्या था? एक पृथक स्टेट इसको रखा गया था, ना ही स्टेट ए था, ना बी था, ना सी। सही कथन को छांटिए। स्टेट ए की राजधानी नागपुर थी लेकिन ऑप्शन में यहाँ रीवा है तो ये नहीं है। स्टेट बी की दो राजधानी इंदौर और ग्वालियर रखी गई। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहलाता है? तो कुंजीलाल दुबे जी जो हैं इन्हें विधि पुरुष का दर्जा दिया गया है। भोपाल गेस्ट त्रास्ती से उबारने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन फेथ। भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भाग में बांटा है? 7। जब अविभाजित एमपी था तो इसको हमने बांटा था 9 भाग में, जबकि विदर्भ क्षेत्र को अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है वह पहले किस राज्य का था? तो ये मध्य प्रदेश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए? तो इसमें 45 जिले रह गए थे। 5वां क्वेश्चन है हमारा, ये मैं दोनों साइड लिया है इसलिए दोनों साइड बताते चल रहा हूँ एक साथ ही। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो छिंदवाड़ा सागर। 11वां क्वेश्चन कहता है भू वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है गोंडवाना लैंड का। मध्य प्रदेश का में नर्मदा की कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में? तो इसे सतपुड़ा पठार में। अगर पर्वत पूछे तो महादेव पर्वत, जिला पूछे धूपगढ़ का तो होशंगाबाद। धूपगढ़ का प्राचीन नाम श्री हरवस चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मंडला राजधानी थी किस वंश से संबंधित क्वेश्चन रहेगा ये? तो गोंड वंश से संबंधित। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा टंगस्टन प्राप्त होता है? तो होशंगाबाद क्षेत्र। चंबल घाटी के निर्माण के लिए कौन सा अपरदन जिम्मेदार है? तो गली अपरदन। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण है? तो मेघदूतम। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है हमारा सी नर्मदा। ताप्ती नहीं है, इसका आंसर सी नर्मदा है, गलती से हाईलाइट है वो, तो अपना आंसर इसका सी रहे। सिंधु या गंगा के मैदान में ग्वालियर शहर स्थित है। जबकि क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। सतना स्थित सीमेंट का कारखाना बिरला कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित। भोपाल बसा है 5 पहाड़ियों पे। चचाई वाटरफॉल रीवा में स्थित है बीहड़ नदी पर। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाता है? दक्षिण पूर्वीय क्षेत्र। कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है जबलपुर में, जवाहरलाल नेहरू 1964। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है जिसे राजा भोज के नाम से जानते हैं। इसे मेगा यूनिवर्सिटी का भी दर्जा राजा भोज को दिया गया है। मध्य प्रदेश में जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है 520 मेगावाट। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो 236। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस थी?
तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब हम ये हमारे 40 क्वेश्चन लगभग होने वाले हैं। अरावली बिन संकला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। गिन नेशनल पार्क से आने वाले शेर कहां पर रखे जाएंगे? पालपुर क्रोनो। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल समूह पीतमपुर है। कौन सा शहर भारतीय मानक के समय के निकटतम है? तो रीवा। मध्य प्रदेश में किस फसल का अधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं, जबकि सबसे बोई जाने वाली फसल सोयाबीन। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? तो 45 जिले थे। सीधी और झाबुआ में सूर्योदय में आधे घंटे का अंतर पाया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयला खनिज नहीं पाया जाता? इसका आंसर है हमारा रीवा। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन हुए। कल हम अगले 40 क्वेश्चन लेके नए सब्जेक्ट का लेके आपके लिए आएंगे। आज के लिए इतना ही। हेलो गाइस, मैं रूप सर आप सबके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो अन अकेडमी एक पर। आई एम एडुकेटर ऑन अन अकेडमी। अन अकेडमी तेजी से बढ़ता हुआ देश का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप और भी वीडियो देख सकते हैं जो स्टडी से रिलेटेड हैं आपके लिए।